उदयपुर के अंदर। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। मैं मानती हूँ कि 5 साल के अंदर 15 लाख बच्चों को हम पूरी तरह से नौकरी देने का काम कर पाएंगे, और इसलिए ये शुरुआत है। मैं चाहूंगी कि लोगों की मदद इसके अंदर आप लोग जाए, RSLGC के साथ मिले, बैठे, बात करें और इसकी शुरुआत करने का काम करें। तो एक तो भामाशाह हुआ, एक उसके साथ साथ सरकार आपके द्वारा हुआ, सरकार आपके द्वारा हम लोगों ने इसीलिए किया है कि थोड़ा सा धक्का देके पूरा नीचे का जो पर्दा है उसको शुभ काम में लाने का। जो जो लोग जिनको डिस्ट्रिक्ट में जाने की जरूरत है, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, कलेक्टर से नीचे से तबका जो है, वो सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जाना शुरू कर दे। लगातार रेगुलरली मीटिंग अगर करें तो छोटी छोटी चीजों को यहाँ तक आने की जरूरत नहीं होगी, इसकी शुरुआत हम लोगों ने किया है। इसके साथ साथ जो हमने बांसवाड़ा के अंदर देखा, ये लैंप्स की दुकान, पैक्स की दुकान, राशन की दुकान, इन सबको एक एरिया के अंदर रखने का काम, ताकि ग्रामीण जनता वहां जाएगी तो परेशान होकर कहीं इधर उधर भटकने की उसको जरूरत नहीं है। उस लैंप्स के अंदर तो मैंने देखा कि सहकारी का बैग की दुकान भी थी, बहुत अच्छी दुकान थी। उसके साथ साथ आपके राशन की दुकान भी थी, वहां का बैंक भी था जिसमें महानरेगा आदि का पेमेंट आपको मिल रहा था। उसके साथ साथ सीमेंट का एक क्या बोलते हैं गोदाम भी था जिसमें से आपको सीमेंट मिल रहा था, खाद और बीज की दुकानें भी थी और स्टोर रूम भी था। ये सब चीजें एक ही जगह पे होने का फायदा लोगों को मिला, तो ये भी एक अच्छी चीज है जिसको हम इकट्ठा करके एक जगह के ऊपर लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आसान काम नहीं है, मैं सबको इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आप लोगों ने हम लोगों को पूरे 5 साल दिए हैं। ये कोई कोई मेरे पास आके कहते हैं कि साहब इतने महीने हो गए अभी तक क्या हो रहा है। हमने कहा अभी तक इतनी सारी मुसीबतें, इतना सारा मैस जो बना के रखा हुआ है कांग्रेस की पार्टी ने, उसको सबको ठीक करने का काम हम लोग उसमें लगे हुए हैं। 7-8 महीने हो गए उसको साफ करते करते, और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतने जोरदार प्यार और विश्वास हम लोगों को दिया है, उसको पूरा करने का काम हमारा, बस हम पे छोड़ दो और थोड़ा सा धैर्य रखो और याद रखो कि आपने पूरे 5 साल दिए हैं, उनको पूरा करने का काम जो हमारा है वो करके हम आपको देंगे। ये मैं विश्वास आपको सबको लेने आई हूँ। आज काफी देर तक आप लोग बैठे हुए हैं, 7 बज गए हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे रहे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सब अधिकारियों को भी, क्योंकि वो पूरे दिन से यहाँ बैठे हैं, परंतु मेरा मानना यह है कि मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोग अपने अपने कागजों को कंप्लीट करेंगे और उसको जनता तक, जनता को राहत देने का वो काम करेंगे। स्पेशली मेरा ये मानना है कि जो नीचे नीचे के जो म्यूटेशन के काम है, जो आपको बाप से बेटे तक जमीन देने की जरूरत है, जो आपके लाइसेंसेस पड़े हुए हैं उनको पूरा नहीं किया गया है, ये छोटे छोटे काम जो है वो मैं देखती हूँ महीनों महीनों क्या सालों साल नहीं हो रहे हैं, वो ये सब लोग इरिटेट होकर बैठे हुए हैं। ये इरिटेशन किसी लेवल के ऊपर खत्म कर देना चाहिए। अगले जन सुनवाई के अंदर मुझे ये कागज नहीं देखने हैं, यही मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ। सबको फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी सारी संख्या में आए, मंत्री जी थे, पूरा इलाका मैंने पूरा क्षेत्र में 2 आज जन सुनवाई उन्होंने की है, एमएलए साहब तो मेरे साथ थे। आज हमारे पूरे 8 दिन कंप्लीट हो रहे हैं और परसों के दिन ये पूरे क्षेत्र के एक दफा बैठ के जायजा अवलोकन करेंगे और परसों के दिन हमारी कैबिनेट होगी। ये उदयपुर के 6 डिस्ट्रिक्ट का ये हमारा काम पूरा होता है, इसके बाद तो फिर चुनाव में लगना है। इतने थक गई हुई चुनाव में हमारे, एक चुनाव खत्म नहीं होता तो दूसरा चुनाव आ जाता है। एक न एक चुनाव की वजह से जिसमें जो आपके आचार संहिता लग जाती है, उस आचार संहिता लग जाने से हम लोगों को कोई काम जो आगे बढ़ाना है वो नहीं कर सकते। अब ये एक चुनाव हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपके नगरपालिका के चुनाव आएंगे, उसके बाद आपके फिर उस पंचायत के चुनाव आएंगे, उसके बाद फिर आपके सहकारी के चुनाव आएंगे। मैंने 1 साल मेरा पूरा इन्हीं चक्करों के अंदर घूम घूम के पूरा हो जाए, परंतु मेरे को पिछले 5 दिन के अंदर बहुत कुछ देखने को मिला। मुझे खुशी है कि मैंने ये दौरा किया। मैंने सब MLA को ये कह दिया था कि अपने कार्यकर्ताओं को कह देना कि क्षेत्र के अंदर चले जाए, सड़क के ऊपर नहीं आए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमको दिखाए कहाँ स्कूल है जहाँ काम नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कई ऐसे स्कूल थे जहाँ 16-17 बच्चे जो आपके प्राइवेट स्कूल थे उसमें 500-500 बच्चे हो गए। हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं है इसलिए शायद वो हमको देखने को मिल रहा है। रोड के ऊपर स्कूल है वहां का 10-10 टीचर्स है, बच्चे कम है, बहुत सारी काम है, बहुत सारी मुसीबतें हैं जिनको हम लोगों को
ठीक करने की जरूरत है। ये एक काम हम अकेले नहीं कर सकते, ना ही ये कर सकते हैं, इसके लिए हम सबको मिलकर करना होगा। आज मैंने किसी ने कहा नहीं कि आपसे तो हमको शिकायत है, आपने बहुत गलत काम किया है। मैं डर गई, मैंने बताओ कौन सा गलत काम किया है, तो बताया मेरे को आपने गलत काम किया। आपको ये 5 दिन जो आपने खस्ता बनाया है उससे जो हम लोग को नुकसान हुआ है उसकी वजह से हम आपको मानते हैं कि आप बेटी हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फ्राइडे की शाम से ही मंडे तक सब लोग गायब हो जाते हैं और हमारा जो थोड़ा सा काम हुआ करता था कभी काम नहीं हो रहा। ये जनता की आवाज, जनता की आवाज को सुनना ये हमारा काम। और मैं सबको ये कह दिया है कि जनता की आवाज को सुनने के लिए ही हम आपके क्षेत्र के अंदर आए, आपके गांव में जा रहे हैं, आपके स्कूल तक पहुंच रहे हैं, आपकी पंचायत में जा रहे हैं, अच्छी पंचायतों को देख रहे हैं, बुरे पंचायतों को भी देखा है। जो पुलिस के केसेस हैं जिनको निपटना चाहिए था, जो नहीं निपटते हैं उनसे लोगों से मुलाकात हुई, जिनकी बीमारी है, जो सीरियस बीमारी है उनको मदद करने की वो लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो उनको मदद करने की कोशिश करेंगे। बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हम कोशिश करेंगे कि उनको क्रियान्वित हम कैसे करें, किस तरीके से करें। पर इतना आप लोगों से आग्रह है कि मेहरबानी करके आपका साथ हमें मिलना चाहिए। मैं कभी कभी कहती हूं उनको कि आपकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब तरीका मैंने इतनी खराब करके छोड़ी है कि 2 साल के लिए, और मैंने आप लोगों को संकल्प यात्रा में भी ये कहा था कि जो मेरे को समझ में आ रहा है वो अच्छा नहीं है और हम लोगों को कमर कसना पड़ेगा, 2 साल हमारे कठिन निकलेंगे और उसके बाद अगर हम लोगों ने काम कर लिया तो राजस्थान को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। आप लोग जरूर मदद करिए। मैं कहती हूँ भैया टैक्स लगा लिया है, उनको टैक्स लगाया बोलता है नहीं नहीं मेरा नहीं ना, उनको लगा देना। वो कहता है नहीं नहीं मेरे को नहीं करना है, इनको लगा देना सुरेंद्र जी को, ये पेमेंट कर लेंगे। इधर से उधर, उधर से उधर, मैंने कहा लगना तो सभी को है भाई, हम लोग सबको मुसीबत में से निकलना है, परंतु एक दफा के लिए राजस्थान को अगर हमको खड़ा करना है उसके पैर के ऊपर, तो हमको अपने बच्चों का भविष्य के बारे में सोच करके सब एक होके और राजस्थान को किस तरीके से अग्रणी कर सकते हैं उसके बारे में सोच के आपको काम करना है। और मुझे विश्वास है कि आप लोग वही चाहते हो, हम लोग सब यही चाहते हैं, इसलिए काम में लगो और आने वाले 4 साल के अंदर राजस्थान को ऐसा चमका के रख दो कि लोग दूर दूर से हमारे प्रदेश में आए, कहीं इधर उधर देखने नहीं गए। यही विश्वास करती हूँ आपको, इस 5 साल के अंदर अपन ये काम करके छोड़ेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।